हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.4। आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसमें कहता है मल्टीप्लाई दीज बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल्स दे रखे हैं हमें। देखिए इनको बाइनोमियल्स क्यों कह रहा है, क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बीच में प्लस में है और लेफ्ट साइड में हमारे पास 2x है और यहाँ पे 5, वैसे यहाँ पे है 4x-3। तो दो हिस्से हैं इसके, इसलिए इसको कहा है बाइनोमियल। और इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 2x+5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x-3 से। तो मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई होंगी आपस में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला 2x है इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैसे ही 5 से भी इन दोनों को। अब सवाल उठता है, अभी क्या है, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे हमें पहला जो है बाइनोमियल जो ये दे रखा है, तो इसलिए हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आगे दे रखा होता तो फिर 4x और 3 -3 से मल्टीप्लाई करते। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x को, फिर 2x से करेंगे -3 को। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस, और 2x/3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने यहां पे सोल्व करके लगा दिया है। अगर प्लस का लगाया होता तो फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस आता है इसमें। अब वैसे इन दोनों को, तो प्लस का साइन आएगा 5/4x, और यहां पे भी प्लस माइनस माइनस 5/3। तो 4 2 8x/(x)² -6x+20 और -15, तो ये बनेगा 8x². एक्स वाले आपस में सोल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 गया तो बचेगा इसमें 14, और निशान आएगा बढ़ेगा, तो +14x। अब x क्यों आया, क्योंकि 20x का मतलब है 20 बार x है, तो 20 बार x में से 6 बार x गया तो 14 बार x बचेगा ना। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, तब जाके आपको समझ आएगा, फिर x का भी ध्यान आ जाएगा, -15। तो ये आंसर आया इसका। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट हम अगले वाले वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपका किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।